like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Good morning, welcome to my new vlog. कैसे हैं आप सब? I hope कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे. सुबह के 10:30 होने वाले हैं, काम लगा हुआ है घर में और मम्मी खाना बना रही हैं. फिलहाल मॉर्निंग में इतना सारा काम रहता है कि मैं तो ब्लॉगिंग कल भी नहीं कर पाया था और आज भी सुबह से नहीं कर पाया था, क्योंकि सुबह में चला जाता हूँ मैं खेत में. पहले खेत में काम करता हूँ, फिर यहाँ पे या तो काम कर लूँ या फ़ोन पकड़ लूँ. तो फिलहाल ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी थोड़ा फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को एक घर की ब्लॉगिंग दे दूं, क्योंकि काफी दिन हो गया, 2-3 दिन हो गया जो कि घर में क्या चल रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाया नहीं. तो 2 दिन तो छुट्टी था, तो उस दिन काम नहीं लगा. एक तो दिवाली के दिन काम चला था, दिवाली के अगले दिन काम नहीं हुआ था और दिवाली के उसके एक दिन बाद भी, ठीक है, तो उतने दिन में काम नहीं लगा हुआ था. फिलहाल चलते हैं किचन में, आप लोगों को दिखाते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं किचन में. ये मम्मी जो है बना रही है रोटी, ठीक है. देखिए 10:30-11 होने वाला हो गया और मम्मी बना रही है रोटी, क्योंकि मुझे लगी है भूख, अब मैं खाऊंगा खाना. सुबह में मैं नाश्ता किया था, कल बना हुआ था लौकी का हलवा, ठीक है. फिलहाल दिखा भी देता हूँ. कहाँ पे मम्मी? अच्छा, वाह, तो देखिए लौकी का हलवा, ये लौकी का हलवा बना हुआ था, तो कल हम लोग नहीं खाए थे, मैं खाया था और लोग नहीं खाए थे. और इधर में देखिए मिस्त्री बना रहे हैं जाल, ये बांध रहे हैं, रॉड बाइंडिंग कर रहे हैं. दोस्तों यहाँ देखिए खेतों में जो है हमारा कम से कम 134 पिलर ढल गया है और अभी देख सकते हैं इधर साइड में पानी डाल दिए थे हम. पूरा का पूरा जो है एक तरीके का क्यूरिंग जो होता है ना, तो इधर में पूरा कर दिए थे और इस साइड में जो हुआ है अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना. और दोस्तों अभी जो है हम खेत में हैं, शाम के 5 बजने वाले हैं और मिस्त्री लोग छुट्टी कर लिए, ठीक है. तो मिस्त्री और लेबर छुट्टी चले गए तो मैंने सोचा और कुछ काम कर लेते हैं. देखिए सूरज जो है एकदम ढलने पे आ गया है, सूरज ढलने पे है और मैं फिलहाल खेत में काम कर रहा हूँ. यार कल भी खूब मेहनत हुआ था, कल का ब्लॉग नहीं दे पाया मैं, क्योंकि मैं इतना बिजी था, पूरा दिन भर बिजी था दिन भर. और दोस्तों वहाँ सुधा जी का क्या हुआ कि डाइट से, मतलब डाइट में जो ट्रेनिंग कर रही हैं बिहार टीचर की जो ट्रेनिंग चल रही है सुधा जी की, वो जो है उनका लेटर मिलना, मतलब कि डेट तो फिक्स कर दिए थे वो लोग. हम लोग बोलते हैं कि जाके ज्वाइन करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ बोलते हैं कि योगदान देना है. तो उनका योगदान का जो डेट था वो था 16 और 17, लेकिन वो डाइट में ट्रेनिंग की वजह से वो जो है अभी वहाँ से छुट्टी नहीं मिली है. छुट्टी मिलेगी 18 को, तो फिलहाल 18 को योगदान देंगी वो. और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उनका जो है स्कूल का अलाटमेंट हो गया है, स्कूल पता चल गया है, स्कूल कहाँ पर मिला है और वहाँ स्कूल में जाके पता चलेगा कि कैसा स्कूल है, कैसा लोकेशन है. लोकेशन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग रामगढ़ लोकेशन में थे, लेकिन अभी रुकने का जो सोचा जा रहा है वो मोहनिया में सोचा जा रहा है. तो फिलहाल देखते हैं, जाके ही पता चलेगा कि मोहनिया कैसा है या दुर्गावती कैसा है, वो सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगी. तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है मेरे पास में, काम करने के बाद में निकल लेंगे घर के लिए, ठीक है. तो फिलहाल चलते हैं काम करते हैं. ये देखिए इधर ही साइड में, इधर मैं सफाई कर रहा हूँ अभी, इतना साइड में सफाई कर लिया हूँ, ये जगह बना लिया हूँ कल के लिए इसको जगह बना लिया है, इतना जगह बना लिया है, इधर भी जगह है,
लेकिन हमारी गिट्टी ख़त्म हो गई है, तो गिट्टी भी कल मॉर्निंग में आने के लिए बोला है, कल मॉर्निंग में आ जाएगी गिट्टी। तो गिट्टी आएगी तो फिलहाल काम स्टार्ट हो जाएगा। और लाइट भी आज धोखा दे दिया, तो थोड़ा सा कटिंग वगैरह करने में भी दिक्कत हुई मुझे। इस तरीके का देखिए, कुछ इस तरीके का है। और मेरा हुलिया देख के पता चल रहा होगा कि दिन भर मैं काम किया हूँ, एकदम दिन भर लगा रहा लेबर के साथ में, क्योंकि घर का काम है, अगर खुद नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बिहार जाने से पहले पहले कंप्लीट कर लें, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम ढलाई तो कंप्लीट ही हो जाए। जो हमारा टारगेट है 240 का, 235 240 का, वो कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं कितना तक पहुंच पाते हैं, लेकिन कल कोशिश रहेगी कि मतलब कल हम लोग 30 पिलर ढालने की कल कोशिश रहेगी, ठीक है।